रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संविधान में बड़े सुधारों का प्रस्ताव रखा है। उनके इस प्रस्ताव के बाद रूस के प्रधानमंत्री दमित्री मेदवेदेव और उनकी पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है। मेदवेदेव ने कहा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रस्ताव से सत्ता संतुलन में अहम बदलाव आएगा। इससे सिर्फ संविधान के अनुच्छेद ही नहीं बदलेंगे बल्कि पूरा संविधान बदल जाएगा। आपको बता दें, व्लादिमीर पुतिन लंबे समय से रूस की सत्ता पर काबिज हैं। कभी वो राष्ट्रपति रहे तो कभी प्रधानमंत्री रहे। ये उनका चौथा कार्यकाल है। उन्होंने मार्च 2018 के चुनाव में चौथी बार जीत दर्ज की थी और अब वो साल 2024 तक रूस के राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे। रूस के संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन चौथा कार्यकाल खत्म होने के बाद अगली बार राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस के संविधान में बदलाव होने से व्लादिमीर पुतिन के सत्ता में लंबे समय तक बने रहने के रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट में अपने व्यूज लिखकर हमें जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।